उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग फ्री अभियान को पुलिस ने चरितार्थ करते हुए चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी युवक 320 ग्राम स्मेक के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, जब्त की गई स्मेक की कीमत 32 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। जैसा कि विदित है कि हमें अपने स्टेट को माननीय सीएम साहब द्वारा भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि नशा मुक्त करना, उस दिशा में आज अल्मोड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एएनटी और एसओजी के साथ मिलकर पहली बार जनपद में कमर्शियल क्वांटिटी में स्मैक पकड़ी है। ये लगभग 320 ग्राम के आसपास स्मैक है, क्योंकि पहले हमें जानकारी थी कि रात्रि के समय कई बार स्मैक तस्कर आते हैं, इसी रूट में आते हैं, तो उसी दौरान चेकिंग जब की गई थी तो ये शाहजहांपुर का स्मैक तस्कर पकड़ा गया है। पूछताछ में इसने बताया कि वो फरीदपुर की तरफ से वहीं से ही कहीं से स्मैक लेके आ रहा था, यहाँ पहाड़ों पे जो छोटे रिटेलर्स है उनको उसको देने का प्लान था, तो ये बीच में पकड़ा गया है। तो टीम ने चूंकि बहुत अच्छा काम किया, पहली बार कमर्शियल क्वांटिटी में ये स्मैक पकड़ी है, तो मेरे द्वारा पूरी टीम को 5000 रुपए के कैश रिवार्ड की घोषणा।